वेल, आज के स्मैकडाउन से पता चलता है कि रोमन रेंस ने जो कह दिया वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वेल तो ही गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के वे स्मैकडाउन के बारे में, जो कि आई थिंक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो हमें स्मैकडाउन की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस। वेल हाँ, यहाँ पे रोमन रेंस हमें स्मैकडाउन की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं एंड रोमन रेंस यहाँ पे एंटर करते हैं। बहुत ही अच्छी खासी एंट्रेंस देखने को मिलती है, वही आइकॉनिक। वेल इसके बाद तो यहाँ पे रोमन रेंस जो कि बेसिकली इसके बाद दी उसोस को बुलवाते हैं एंड यहाँ पे फिर दी उसोस को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, ये हमारे फैमिली का मोमेंट है, तो यहाँ पे तुम्हें टैग टीम चैंपियन बनना ही पड़ेगा। तो वेल यहाँ पे दोनों प्रॉमिस भी करते हैं एंड यहाँ पे टैग टीम चैंपियन बनेंगे। सो यहाँ पे फिर मैच स्टार्ट होता है जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस दी उसोस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो रोमन रेंस मतलब बैक स्टेज में बैठ के देखते हैं कि भाई मैच में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे मैच ओवरऑल दी उसोस और डोमिनिक मिस्टीरियो का अच्छा चलता है, बट यहाँ पे दी उसोस हार जाते हैं। सो वेल इसके बाद तो बैक स्टेज में रोमन रेंस का जो गुस्सा था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया रोमन रेंस। वेल इसके बाद तो दी उसोस को बुलवाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे आज का आज ही फैसला चाहिए, तुम लोग चैंपियन चाहिए मुझे आज ही का आज, जो कि इंटरेस्टिंग था। वेल इसके बाद तो सेथ रॉलिंस का हमें बड़ा क्रीपी थिंग देखने को मिलता है, इंटरव्यू में माइक टेस्ट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी वो भी। वेल इसके बाद तो हमें कार्मेला का एक स्क्वॉश मैच देखने को मिलता है जिसमें लिव मॉर्गन स्क्वॉश हो जाती हैं। वेल इसके बाद तो हमें दी उसोस जो कि एडम पियर्स रोमन रेंस के कहने पर, मतलब एडम पियर्स को कहते हैं कि हमारे रोमन रेंस ने बोला है तो हमें रीमैच चाहिए आज के आज ही। तो वेल इसके बाद तो हमें जो कि बियांका बेलेयर एंड बेली का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि बेली की हंसी बहुत ही अच्छी खासी खतरनाक थी। सो वेल इसके बाद हमें रिक बुक्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो मतलब जो कि शिंसुके नाकामुरा और किंग कॉर्बिन का मैच होता है एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलता है कि किंग कॉर्बिन हार जाते हैं एंड वापस से पीट भी जाते हैं किंग कॉर्बिन। वेल इसके बाद तो हमें जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो भाग रहे होते हैं मतलब स्मैकडाउन से, तो इसके बाद सोनिया डेविल एडम पियर्स आते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो यार, तुम्हारा तो अभी रीमैच, अभी तो मैच देना है तुमको वापस से क्योंकि रोमन रेंस ने कहा है। वेल इसके बाद तो हमें बैक स्टेज में क्या दिखाई देता है कि केविन ओवेंस पिट रहे हैं कमांडो अजीज से। वेल इसके बाद पता चलता है कि हाँ वो तो रिंग साइड के इधर बैन है, तो पीटना तो बनता है कमांडो अजीज का। तो मैच देखने को मिलता है जो कि केविन ओवेंस एंड जो कि अपोलो क्रूज का। वेल इसके बाद तो अपोलो क्रूज इस मैच में जीत जाते हैं एंड इसके बाद कमांडो अजीज कांग्रेचुलेशन करते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन आके केविन ओवेंस को पीट देते हैं, मतलब आज केविन ओवेंस को बहुत पीटा गया केविन स्मैकडाउन में। वेल इसके बाद तो हमें दी उसोस का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि दी उसोस का मेन इवेंट मैच। वेल तो डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस दी उसोस का फिर मैच देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था एंड अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग थिंग तंग तब देखने को मिलता है जब यहाँ पे रोमन रेंस आके अटैक कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो दोनों को। भाई साहब, पहले तो रे मिस्टीरियो को गंदा वाला स्पीयर मार देते हैं एंड इसके बाद तो गंदा वाला भाई साहब मतलब पूरा डोमिनिक मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे तोड़म ताड़ी पूरा अच्छे खासे तरीके से कर दिया एंड पूरा पीट दिया भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की हालत एकदम खराब कर दी, जो कि इसके बाद तो जे उसो के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हुए एंड इंटरेस्टिंग था। तो वेल आई थिंक ओवरऑल स्मैकडाउन बहुत ही अच्छा खासा एंडिंग देखने को मिला। तो वेल आपके ओपिनियन से कैसा स्मैकडाउन था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। I played it in a sense, a feel of discontent, I finally